नमस्कार दोस्तों, सुरांगन संगीत के माध्यम से मैं प्रभात रंजन आज इतिहास की एक सच्ची घटना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर जिन भाई बंधुओं ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन के घंटी को जरूर ऑन कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसका जिक्र इतिहास के किसी भी पन्ने में नहीं किया गया है। इतिहास में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कुतुबुद्दीन घोड़े से गिरकर मरा, लेकिन वो कैसे मरा ये कोई नहीं बताता और किस कारण से मरा ये भी कोई नहीं बताता। यह आज हम आपको बताएंगे। आपको याद होगा वो वीर महाराणा प्रताप जी का चेतक, सबको याद होगा, लेकिन सुभ्रक किसी को याद नहीं होगा। तो मित्रों, आज मैं सुभ्रक की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। सुभ्रक वो स्वामी भक्त घोड़ा अश्व जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजपुताना में जमकर कहर बरपाया था और उदयपुर के राजकुंवर कर्ण सिंह को बंदी बनाकर लाहौर ले गया। ठीक उसी समय कुंवर का सुभ्रक नामक स्वामी भक्त अश्व, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को पसंद आ गया और वो उसे भी अपने साथ लेकर वहां चला गया। एक दिन कैद से भागने के प्रयास में कुंवर सा को सजाए मौत सुनाई गई और सजा देने के लिए उन्हें जन्नत बाग ले गया गया। यह तय हुआ कि राजकुंवर का सिर काटकर और उसके साथ पोलो, जो कि आज के समय का खेल है, पोलो खेलते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन उस समय कुछ और ही नाम उसका हुआ करता था और कुछ और तरीके से खेला जाता होगा, ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। और साथ ही ये कहा गया कि उसका सर कलम करके और उसके सर के साथ पोलो खेला जाए। कुतुबुद्दीन खुद कुंवर शाह के घोड़े सुभ्रक पर सवार होकर अपनी खिलाड़ी टोली के साथ जब जन्नत बाग में आया, सुभ्रक ने जैसे ही कैदी अवस्था में राजकुंवर को देखा उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। जैसे ही सिर कलम करने के लिए कुंवर शाह की जंजीरें खोली गई, सुभ्रक ने उछाल मारकर कुतुबुद्दीन ऐबक को नीचे गिरा दिया, साथ ही अपने पैरों से इतने वार किए, उसके सीने पे इतने वार किए कि उसके प्राण पखेरे उड़ गए। इस्लामिक सैनिक देखकर अचंभित हो गए, सभी के सभी सन्न रह गए। मौके का फायदा उठाकर कुंवर शाह सैनिकों से छूटे और सुभ्रक पे सवार हो गए। सुभ्रक ने हवा से बाजी लगा दी और लाहौर से उदयपुर बिना रुके एक चाल में दौड़ते रहा और उदयपुर के महल के सामने ही आकर रुका। राजकुंवर घोड़े से उतरे और अपने प्रिय अश्व को पुचकारने के लिए ज्यों ही हाथ बढ़ाया तो पाया कि वह प्रतिमा बना खड़ा था, निष्प्राण हो चुका था, उसमें प्राण नहीं बचे थे। उसने अपनी जान की बाजी लगा करके भी कुंवर शाह को बचाया। वो सच्चा स्वामी भक्त सुभ्रक एक इंसान से कई गुना बड़ा था। जैसे ही सिर पर हाथ रखा सुभ्रक के, उसका निष्प्राण शरीर जो है लुढ़क गया। भारत के इतिहास में यह तथ्य कहीं नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि मुगल बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक की ऐसी दुर्गति वाली मौत को बताने से सभी हिचकिचाते हैं, जबकि फारसी की कई प्राचीन किताबों में
कुतुबुद्दीन की मौत की यही घटना लिखी गई है। नमन हो स्वामी भक्त सुब्रग को। और दोस्तों मैं बता दूं कि यह कहानी मैंने कहीं पढ़ी है, कहीं छपी थी, सोचा आप सबों के बीच शेयर करूं। अगर आप लोगों को इतिहास की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं प्रभात रंजन सुरांगन संगीत के माध्यम से आप लोगों से बहुत जल्द एक और नए कहानी के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।